अपने चैनल ऑल एग्जाम नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो SSC का भी 31 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है, इसका रीमेट DME के लिए एडिशनल कैंडिडेट वालों का, क्या वो रियल है कि फेक है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाली हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगी तो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसके अलावा नो बकवास लटर फटर आगे पीछे की कोई बात नहीं, सीधी जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो ही। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप खुद मैंने चेक की है CRP और SSC की साइट, उस पर मुझे तो कोई न्यू नोटिफिकेशन मिली नहीं है। अगर आपको मिली है तो आप मुझे बताओ। तो आप खुद जैसे देख रहे हो जी, SSC की साइट पे है, इस पर तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। तो जो हमें कल से बताया जा रहा, इतनी वीडियो दिखाए रहे हैं यूट्यूब में कि इनकी ये नोटिफिकेशन आई है, ये नोटिफिकेशन आई है, भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं आई नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। जब तक रियल ऑफिशियल साइट पर नहीं आती तब तक ये फेक न्यूज़ है। इनको भाई इनके पास कहाँ से फैक्स आ गया, लिखा जा रहा है कि अर्जेंट फैक्स है ऑफिस टू ऑफिस, तो भाई ये ऑफिस में थोड़े लगे हुए हैं, इनके पास कहाँ से आ गई ये फैक्स, तो इसलिए ये फेक न्यूज़ है भाई। आप खुद चेक कर लो, अगर आपको मिलती है ना तो आप जो मर्जी मुझे बोलना, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक मैं ट्रस्ट नहीं करता जब तक कि कोई ऑफिशियली साइट पर ना आए। जो मर्जी सूत्र हो, हमें काफ़ी समय से बताया यार हमारे ये सूत्र है ये सूत्र है, भाई ये फेक न्यूज़ है, ये 100 में से 100% फेक न्यूज़ है। जय हिंद दोस्तों।